लगता है काव्या फिर से कहीं जाने की तैयारी कर रही है। कितनी लकी है काव्या, हमेशा घूमती रहती है। अरे बारबी तुझे पता नहीं है आज मैं मुंबई जा रही हूँ, मुंबई। और मैंने सुना है कि काव्या मुंबई जा रही है एंड प्रवेश से भी मिलने वाली है। काश मैं भी काव्या के साथ मुंबई जा पाती। और पता है आपको मैं मुंबई किस लिए जा रही हूँ? क्योंकि मुंबई में होने वाला है मेरा न्यू रोमांटिक म्यूजिक वीडियो शूट, इसीलिए मैं मुंबई जा रही हूँ। और वो जो मेरा सॉन्ग आया था ना, तेरे दिल तक आना, ये उसी का पार्ट टू है। अभी आप लोग गेस करो इसमें हीरो कौन होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। ऑफकोर्स यार, हीरो कौन होने वाला है? पार्ट वन में अगर प्रवेश हीरो था तो पार्ट टू में भी वही हीरो होगा। और मुंबई में है ना और भी बहुत सारे काम है हमको, जैसे आज हम लोग मुंबई पहुंच जाएंगे तो आज उसी हीरो के साथ मेरा पॉडकास्ट शूट होने वाला है। तो आज प्रवेश के साथ मेरा पॉडकास्ट शूट होने वाला है। पता नहीं यार पॉडकास्ट में क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्या होगा, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। और मैं मुंबई जाने के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। बताती हूँ कि हम लोग कौन कौन मुंबई जा रहे हैं। मैं, मम्मी, पापा और मेरे मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट है ना यहीं से लेकर जा रही हूँ। और आप है ना उन मेकअप आर्टिस्ट को जानते हो, जब वो आ जाएंगे ना तब मैं आपको मिलाती हूँ। एक दिन है ना मैं भी मुंबई जाऊंगा, मुंबई। और मैं भी बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है उधर मुंबई में आगे, लेकिन मैं तो अभी से छोटा स्टार है। तो ये देखो, ये रहा हमारा नाश्ता, आलू का पराठा। आलू का पराठा तो मेरा फेवरेट है और मम्मी का भी फेवरेट है। अभी हम लोग फटाफट नाश्ता कर लेते हैं और जल्दी निकलते हैं क्योंकि फिर बहुत ट्रैवल करना है हमको। तो हमारे जो खाना बनाने वाले आंटी है ना, वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो हमने सारी चीजें ले ली और इस बार मैं ना अपनी क्यूट सी बैग लेके जा रही हूँ। अभी चलते हैं हम लोग, सबसे पहले कृष्ण भगवान के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। चलो बाय बाय हाउस, जल्दी आएंगे। चल बाय आई, बाय बाय। लौकर वापसी है। रख दिया आपने सब सामान, निकलते हैं अभी। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आ गए, रुको मैं आपको मिलाती हूँ उनसे। देखो ये रहे मेरे मेकअप आर्टिस्ट आर्यन। हाई, कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो ये भी BTS लवर है और इनसे हम ना गाड़ी में बैठने के बाद पूछेंगे कि कौन सा BTS मेंबर फेवरेट है, ठीक है? Yes. तो ये ना 10:30 बज रहे हैं, हम लोग निकल गए मुंबई जाने के लिए। हमको है ना दोपहर के 3-4 बजे तक मुंबई पहुँचना है। देखो ये है पापा के जोड़ीदार, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। तेरे पापा को संभालने के लिए जाना पड़ता है इधर उधर। देखा पापा, ध्यान तो केयर करता हो मेरी। थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरी नींद हो गई है अभी। अभी हम लोग है ना नासिक की गतपुरी क्रॉस कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हम कल्याण पहुंच जाएंगे है ना पापा, और 1 घंटे में मुंबई। पापा ने बहुत फास्ट ड्राइव की, मैं सो रही थी तब तक देखो मुंबई भी आ गया। देखो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है ना ऐसे कोरियन है, कोरियन। अच्छा बताओ कौन सा BTS आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जिमिन पसंद है। अच्छा मुझे भी वही पसंद है, आपको कौन सा पसंद है आप कमेंट में बताना, ठीक है? तो फाइनली हम लोग पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई में। तो गाइस फाइनली हम लोग मुंबई पहुंच गए। और देखो ना यार, जब भी कुछ अच्छा फंक्शन ओकेजन या फिर शूट वगैरह होता है ना, तभी मेरे को पिंपल आ जाता है। चलो छोड़ो, अभी हम होटल आ गए हैं, मैं आपको ऊपर चल के रूम दिखा देती हूँ। यार अब ये पिंपल के साथ कैसे शूट होगा? गर्ल्स ही समझ सकती है ये पिंपल का दुख। ये देखो, ये रही हमारी रूम। ये इधर के साइड है बेड, इधर के साइड है बड़ा सा TV और इधर मिरर। हाय, एंड इधर के साइड है विंडो। अरे यार यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये रही मुंबई। बाथरूम में देखना क्या है? क्या है देखने दो, क्या है बाथरूम में? ए वाव, इधर तो बाथटब है, ये देखो। मस्त, इसमें पानी फुल करेंगे और बाथटब में बैठ के नहाएंगे। और कितना बड़ा मिरर है ये। अब क्या हो गया मम्मी, अब बताओ अब क्या हुआ? कितना महंगा ग्रीन सैलेड, कितने? 250 रुपए। और पोहा 220 रुपए, 250 रुपए का है। पापा आप कैसे आ गए इधर सुनने?
मैं तुम्हारा चिल्ला पुकारा सुन के मैं दौड़ा चला आया। चाय कितने की? मैं सोच रही थी मैं चाय बनवा। चाय देखो, चाय कितने की? हमको चाय पीनी थी। केटली है इधर, बोलो तो बना दूं मैं। अरे यार बहुत गंदी लगेगी मम्मी ये केटली वाली चाय। गंदा चाय नहीं इधर, अलग बना रही हूँ। क्या पापा बनाओ फिर जल्दी। अभी हम आए पापा का रूम देखने, चलो ना अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये देखो, ये रहा पापा का रूम। यहाँ पे भी बड़ा सा टीवी है, दो बेड है और इधर के साइड विंडो है। सेम उसके जैसे तो है, उधर वाले रूम के जैसे। लेकिन फिर भी हमको देखने का रहता है, अगर ये रूम ज्यादा अच्छी हुई तो ये हमारी हो जाती। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, अभी शाम के कितने 6:30 बज रहे हैं और मैं भी रेडी हो रही हूँ पॉडकास्ट शूट करना है। देखो मम्मी भी रेडी हो रही है यहाँ पे, और मम्मी कितनी सुंदर लग रही है इधर देखो। देखो ना, पप्पा ने इतने सोने की चूड़ियाँ दिलाई है मम्मी को चार, लेकिन फिर भी मम्मी को यही चूड़ियाँ पसंद आती है। और ऐसे बहुत सारी चूड़ियाँ है मम्मी के पास में, कभी अगर आपको देखना हो तो बताना कमेंट में। हाय आर्यन। हेलो। तो आर्यन आ गया, अभी सबसे पहले मेरे हेयर स्ट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद में मेरा थोड़ा बहुत टचअप मेकअप करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे पॉडकास्ट शूट करने। तो कल मेरा रोमांटिक म्यूजिक वीडियो शूट होने वाला है और उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये पार्ट टू शूट होने वाला है। आपने पार्ट वन देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। आप पार्ट टू के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं जल्दी से कमेंट में बताना। कितने एकदम ऐसा खराब करके रख दिए रूम, ऐसा लग रहा कि भाई ये रूम में अपन ना महीने भर से रह रहे। हाँ ना पापा, भी हम तैयार हुए, सब ये किया तो हो ही जाती है ना रूम ऐसे। आपने नहाया भी नहीं कुछ नहीं, तो आपके रूम कैसे खराब? नहीं नहाने का है मेरे को। ये फिर से स्टार्ट हो गया इनका। हाँ कोई प्रॉब्लम है कि देखो, नहीं नहाने का, आज नहीं नहाने का, कल भी नहीं नहाने का, परसों भी नहीं नहाने का। नो पापा नो। अरे मैं मेरा उधर नहा के आया ना, देख उसके बाल और मेरे बाल एक जैसे ही है। लंबे लेकिन उसके ना हेल्दी बाल है, अब मेरे कैसे थोड़ा सा उम्र हो गई ना इसलिए। तो ठीक है ना, हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो हो जाएंगे। मैं हेल्दी कर दूंगा उसको। हाँ देखो, ये हेल्दी कर देंगे बालों को आपके, घर जाने के बाद पापा के हेयर्स की ट्रीटमेंट कराएंगे हम। हाँ मेरे को भी ना वैसे बाल करने की। मेरे साथ वालों के तो बाल ही नहीं रहे। समझ में आएगा, ये देख काले बाल है पूरे, ये इतने बड़े है। मेरे साथ वाले तो उनके बाल ही गायब हो गए अंकल, उनके आईब्रो तक सफेद होने की बारी आ गई। सारे टकले दोस्त पाले और खुद अकेले लंबे बाल, तो टकलों में आपके लंबे बाल दिखेंगे ना मम्मी। नो। तो अभी आर्यन भैया है ना, गर्ल्स के लिए कुछ मेकअप टिप्स बताएंगे, चलो बताओ। तो आज हम देख सकते हैं कि काव्या मैम ने आईब्रो बिल्कुल भी नहीं किए थे, और इस वजह से आज मैं आईब्रो डिफाइनर कर रहा हूँ काव्या मैम के आईब्रोज पे। वाह, इस तरह से आईब्रो डिफाइन आप कर सकते हो। अगर आपकी आईब्रो की हुई नहीं है तो मेकअप में आप उसे कवर कर सकते हो। देखो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, बताओ मेरा लुक कैसे लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? तो ये जो पुलिस वाले सर है ना, इनकी बेटी मेरी फैन है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हाय आपको सर। ये देखो, ये मेरी फैन रिया, हाय। थैंक यू मैम, थैंक यू रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। ये देखो, ये आ गई हमारी गाड़ी, बैठो पापा। वाओ देखो ना, मुंबई की नाइट लाइफ कितनी अमेजिंग है, कितना अच्छा लग रहा है। हम अभी बाहर निकले तो मैं तो अभी भी बोल रही हूँ चलो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लोग आ गए स्टूडियो, चलो मैं आपको स्टूडियो दिखाती हूँ, इतना अच्छा स्टूडियो है ना, आ जाओ। ये देखो, ये रहा हमारा पॉडकास्ट का स्टूडियो, कितना कलरफुल और कितना अच्छा है ना। देखो यहाँ पे कितने सारे सेटअप्स हैं, मतलब अगर ये वाला सेटअप चाहिए तो ये वाला सेटअप, और मम्मी पापा जहाँ बैठे हैं ये अलग सेटअप है, हाय, और इधर की साइड अलग सेटअप है, और इधर की साइड पूरा अलग सेटअप है, और ये जो अंकल बैठे हैं ना, यहाँ पे हमारा पॉडकास्ट शूट होने वाला है। ये देखो कैमरे लगाए, 1 2 3, ऐसे 3 कैमरे लगे हुए हैं। और ये रहे हमारे म्यूजिक वीडियो के प्रोड्यूसर सर। हाय काव्या, हाउ आर यू? कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। आपके सर मत बोलो, सर ही बोलते रहते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा पॉडकास्ट है जिसमें मैं होस्ट हूँ, और साव्या मानर साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। क्या बोल गए, मेरा नाम भूल गए। तो बेसिकली हमारा आज एक पॉडकास्ट है जिसमें मैं होस्ट हूँ और काव्या हमारी गेस्ट है, और सोलो पॉडकास्ट है, सिर्फ मैं और काव्या, काव्या के लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स, ये सब आपको सुनने मिलेगा। ठीक है, और मेरे को लगा था पहले प्रविष्ट के साथ है, इन्होंने मेरे को कॉल करके बोला वो नहीं आ रहे।
प्रवेश थोड़ा सा ना ट्रैफिक में अटक गया एक्चुअली, इसलिए उनका सेट बहुत दूर है ना, 2-3 घंटा। ठीक है चलेगा, हम सोलो कर लेंगे। डन, और कल म्यूजिक वीडियो शूट लेकिन प्रवेश के साथ। यस, ये देखो ये है हमारे डायरेक्टर सर। तो लास्ट म्यूजिक वीडियो के BTS में आपने इनको बहुत पसंद किया, ये बहुत फनी है, आप सब लोग बोल रहे थे ना, तो बोलो कुछ। फांसी चढ़ने वाली है तो सब आगे बोलते हैं कि बस पापा से पूछते हैं सच में ऐसे होता है। मैंने हाँ तेरी मम्मी से पूछो ना, साथ में भी बैठ के बिठा के साथ में आप क्या बोलेंगे। मैंने ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ ऐसे नहीं होता। अरे लाइफ बहुत अच्छी हो जाती शादी के बाद में, और जिनकी शादी नहीं हो रही तो वो यही बोलेंगे ये हो जाता है, और जिनकी शादी हो रही है उनके लिए सब अच्छा ही रहता। देखो मम्मी देखो कितनी तारीफ कर। प्रवेश सर ने कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया मेरे को, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ पे आएंगे। सर मत बोलो। अरे पता है मुझे सब लोग बोल रहे थे कमेंट में कि वो सीनियर है उनको सर बोला करो, तो रिस्पेक्ट देने के लिए मैं आपको सर बोल रही हूँ। नहीं, रिस्पेक्ट ये ऐसे थोड़ी है। अरे देखो हम अभी रील शूट कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने ये सारा सामान इधर रख दिया। हमने नहीं, प्रवेश ने। हाँ मतलब ये ब्लॉग शूट करी थी, मतलब दोनों कुछ काम कर ही रहे थे। कुछ नहीं कर रही थी, खड़ी थी यहाँ पे। हाँ ठीक है, अभी आप रील्स जाके इंस्टाग्राम पे देखना, इनको फॉलो कर लेना। गाइस आप लोग इंस्टा पे जाके बताना आपको ये रील कैसी लगी। अरे हाँ मेरे को लिप सिंक का मेरा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, तो जनरली हमारा कभी ना कुछ मैच कलर हो ही जाता है, जैसे मेरा ब्लैक टी शर्ट है, कलर का ब्लैक पैंट है, और जैसे हम सेट पे भी मिले थे इनके तो वहाँ पे भी ड्रेस मैच हो गया था, जबकि वो भी प्लान नहीं था, वो भी सरप्राइज नहीं था, वो भी सब कुछ ऐसा था। तो अभी पॉडकास्ट जल्दी स्टार्ट होगा, लेकिन सबका फोटो सेशन चल रहा है, तो अभी हम लोग सबसे पहले डिनर करेंगे, फिर उसके बाद में पॉडकास्ट शूट करेंगे। तो अभी हम प्रवेश सर को और विनीत सर को मेरा है ना तेरे दिल तक आना है वाला, मत बोलो यार। तो क्या बोलूं, तेरे दिल तक आना है वो जो सॉन्ग है ना जिसमें मैं लड़का बनी हूँ वो वाला दिखाने वाली हूँ, एक सेकंड रिएक्शन देखते हैं और मुझे बताना मैंने कैसे एक्टिंग की है। ठीक है आई है तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगली बार हो भाई। रमेश नहीं खाली काव्या दोनों कर रही है, स्टार्टिंग काव्या एंड काव्या, स्टार्टिंग काव्या एंड काव्या। देखना कैसे देखना, मिलेंगे कैसे दोनों, एक फ्रेम में कैसे आएंगे। अब देखना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा क्या रही है एक्शन में, कितना अच्छा था ना, बहुत मस्त लगा। अब क्लाइमेक्स देखते, क्लाइमेक्स में देखो कौन आता है। पकड़ लिया अंकल लाइट। यस अब बहुत मारेंगे। 18th। अरे बाप रे 4 शायद। क्या करना है लाठी क्या हुआ लाठी है। पापा कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना, अंकल तो बहुत मस्त एक्टिंग करते हैं, मैं दूसरे भी वीडियोज में मैंने देखा है। सच में मार मार के भगा दिया, मतलब मार के भगा दिया के पापा सच में भी ऐसे ही मार के भगाने आया था। नाना कैसी लगी एक्टिंग, बहुत मस्त है लड़की की।
की बताना, लड़की की जाने दो। लड़की की तो खैर अच्छी थी, लड़के की भी मस्त थी, पर आज लड़की जो नखरे दिखाए काव्या ने वो भी खतरनाक थे। पर ऐसे तो मैं करके मत बनो यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा लगा कि काव्या को जैसे बोला ना स्टारिंग काव्या एंड काव्या हो जाएगा। बहुत बहुत मस्त वीडियो था, अंकल की भी एक्टिंग मुझको मस्त लगी। अभी कल भी ऐसे एक्टिंग करने वाले हैं आपके साथ। उनको है ना किसी हीरो को ऐसे मारना है विलन बनके। हाँ तो ठीक है, आपको मार लेंगे। कल के गाने की कल दिया ना, मारनी चाहिए। ठीक है देखेंगे ऐसा कुछ। हाँ बहुत जल्दी उनकी ऐसे दिल से इच्छा है पापा की कि वो है ना ऐसे विलन बने और हीरो को बहुत पीटे। तो हमारा जो पॉडकास्ट है वो फाइनली शूट होने जा रहा है, सो ऑल द बेस्ट पूरी टीम को, ऑल द बेस्ट होस्ट, ऑल द बेस्ट प्रवेश, ऑल द बेस्ट कावया। चलो अभी हम चलते हैं उधर। क्या बोल रहे थे आप, फिर से बोलो। आज किन किन बातों का पर्दाफाश करोगी? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मतलब सच है जो मैं आज बताने वाली हूँ पॉडकास्ट में। वाह वाह। कब वैसे रिलीज हो रहा है मैं बताऊंगी आपको जल्दी। ठीक लग रही हूँ ना मैं उसमें? बहुत सुंदर। थैंक यू सर। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, अति सुंदर। थोड़ा सा नर्वस होता है क्योंकि मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है ना, इसीलिए थोड़ा नर्वस होता है। हां पॉडकास्ट मेरा भी पहला है। अरे आपका भी फर्स्ट पॉडकास्ट है? 2 3 स्टार्ट। Hello everyone, I'm your host Vinit Jain and welcome to another episode of the Unboxing Podcast. आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट्स, प्रवेश मिश्रा जो कि एक बहुत ही रिनाउंड टीवी एक्टर है, आपने उनके बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे और हमारे साथ बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस देखे होंगे। आई होप देखे हैं, नहीं देखे हैं तो पहले जाके देखे हो। ठीक है, फिर है हमारे साथ फिर है हमारे साथ काव्या यादव, ऑल्सो नोन एज बिंदास काव्या, जो उनका स्टेज नेम है। और इनका तो क्या ही बोलूं, 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए अभी। तो 12 मिलियन सब्सक्राइबर है, जितने लोगों की मंथली मिलियन, हाँ जितनी लोगों की मंथली सैलरी नहीं होती उससे ज्यादा इनके दिन के सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। वीडियो देखा, म्यूजिक वीडियो जो हमारे पहले गाने पे था, दिन पे आने पे, इसमें काव्या लड़की बनी, लड़का भी बनी, तो मतलब खतरनाक है। और क्या बढ़िया लड़का लग रही है, मतलब नहीं बट अमेजिंग, बहुत बहुत मस्त वीडियो था वो। और उसमें स्टोरी भी बड़ी अच्छी लगी मुझको, एंड में जो पप्पा ने मारा है। तो काव्या एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है, सिर्फ मेरे माइंड में नहीं, आई एम श्योर बहुत लोगों के माइंड में। ये काव्या तो ठीक है, ये बिंदास काव्या कैसे हुआ? बिंदास नाम का है। तो इसी बात पे प्रवेश, आपके दिल में कोई लड़की बसती है? भाई मेरे सामने लड़की बहुत बड़ी हस्ती है। तो इसके आगे आपका ड्रीम क्या है, मतलब बिंदास काव्या का लाइफ लॉन्ग एक जो गोल होता है कि ये मुझे करना है? फिर विनीत ने मुझसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जो नहीं पूछना चाहिए था, कि बिंदास काव्या की स्कूल स्टोरी क्या है। मैं इस बारे में कभी बताना नहीं चाहती थी, बट मुझे ऐसे लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपने स्कूल में हुए प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहिए, तो मैंने अपनी स्कूल स्टोरी बता दी। तो अभी है ना 5 मिनट का ब्रेक हुआ है, इसलिए मैं आराम से बैठी हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं ऐसी थी। मम्मी बताओ मैंने कैसे आंसर दिया? बहुत अच्छे आंसर दिए। तो आप ये पॉडकास्ट जाके देखना कि मैंने क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की है, तब आपको पता चलेगा। मैंने अपनी स्कूल स्टोरी के बारे में भी थोड़ी सी बात की है। वैसे शूट बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी कितने बज रहे हैं मम्मी? 12 बज रहे हैं रात के। रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक हमारा सिर्फ आधा ही शूट हुआ है, आधा भी नहीं बोल सकते, आधे से भी आधा शूट हुआ है। और कल सवेरे 5 बजे का कॉल टाइम है। 5 बजे का कॉल टाइम है, मीन्स 4:30 बजे उठना पड़ेगा, ब्रश वगैरह, फिर जाना पड़ेगा शूट के लिए। चलो आ गए सब लोग। तो काव्या एक पॉइंट पे आप इंडिया के नंबर 1 फीमेल गेमर थे, और उसके बाद भी टॉप पे रहने के बाद आपने गेमिंग क्विट क्यों कर दी? तो ये क्वेश्चन तो सबको बहुत है कि मैंने गेमिंग क्यों क्विट कर दी, क्यों छोड़ दिया। तो मैंने गेमिंग मेरे पापा की वजह से छोड़ी है, उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। तो अब हम ना एक छोटी सी गेम खेलते हैं जिसमें आप प्रवेश के बारे में 3 अच्छी चीजें बताओगे और प्रवेश आपके बारे में 3 अच्छी चीजें बताएंगे, और एक ट्विस्ट, दोनों सेम चीजें नहीं बोल सकते। ओके लेट्स गो। पहले कौन बोल रहा है? मैं। ओके अच्छा, मैं सेम बोल भी नहीं रहा हूं। एग्जैक्टली मेरी समझदारी से। हां तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत बहुत केयरिंग नेचर है इनका। आप लोगों के साथ मुझे हमेशा बहुत मजा आता है शूट करने में। आज हमने एक पॉडकास्ट भी शूट किया, इसमें भी बहुत ही ज्यादा मजा आया, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा।
एंड कल अभी हमारा गाना शूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इट्स अ प्लेजर टू मीट द एंटायर टीम और सबके साथ फिर से बस काम करने का मौका मिला। आई होप आप सबको भी मजा आया, आप दोनों को मजा आया पॉडकास्ट में, बहुत मजा आया। वापस सर ना परेशान हो गए उससे। पॉडकास्ट देखना और मुझे बताना आपको कैसे लगा, ठीक है? आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ मतलब काव्या पॉडकास्ट के बारे कह रही थी मैं नर्वस हूँ ये हूँ, बट पॉडकास्ट में तो ऐसे कॉन्फिडेंटली बैठ के ऐसे कॉन्फिडेंटली आंसर दिए, मतलब क्या बात है। थैंक यू, आपने भी तो इतने अच्छे चांसेस दिए, मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताना था ना, तो लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने ना ऐसे माइक लगाया, मैं ऐसे बिग बॉस या फिर कहीं और देखती थी ऐसे माइक, तो मेरा एक सपना पूरा हो गया। मैं भी चाहती थी कि मेरे पास भी ऐसे बड़ा सा माइक हो और मैं ऐसे बात करूं। तो ये चलो बाय, पैकअप हो गया, कल मिलते हैं, कल मिलना है हमको किससे बात कर रहे हो आप? ये है प्रवेश मिश्रा, पकड़े गए। किससे बात कर रहे हो? YouTube पे वीडियोस देख रहा हूँ। फिर ठीक है, दिखाओ। मतलब क्या देखो, ऐसे मतलब YouTube ही खुला। हमको लगा किससे बात कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। ऐसे भी नहीं बोल सकते कि हम अभी कल मिलेंगे। हाँ बस कुछ ही समय में मिलना है फिर से। ठीक है चलेगा, चलो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। तो कुछ ऐसा था प्रवेश एंड विनीत के साथ हमारा पॉडकास्ट वीडियो शूट। अब कल है हमारा रोमांटिक म्यूजिक वीडियो पार्ट टू शूट, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना।